In the name of Allah, most gracious, most merciful, dear student, Assalamu alaikum. मैं आपका English का teacher अब्दुल मजीद आपको आज English का lecture number 5 पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह. उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे. Open your book at page 2. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. पांचवीं छठी सदी ईस्वी में इंसानियत तबाही के दहाने पर थी. क्योस तबाही. इट सीम्ड ऐसा मालूम होता था दैट द सिविलाइजेशन के वो तहजीब विच हैड टेकन 4000 years to grow, जिसको परवान चढ़ने के लिए 4000 साल लगे थे, had started crumbling, उसने मुंतशिर होना, रेजा रेजा होना, crumbling, break into pieces, बिखरना शुरू कर दिया था. तो यहाँ देखे हम इस पैरे में हमारे बाद जो मुश्किल है बोल्ट में chaos, confusion, परेशानी, अपत्री, और दूसरा लफ्ज है क्रम्बलिंग, ब्रेक इनटू पीसेस, रेजा रेजा होना, टुकड़े टुकड़े होना, बिखरना, ये सारे इसके माने हो रहे हैं, बिखरना, टुकड़े टुकड़े होना. अब फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी को पढ़ लिया मैंने. इन द एट दिस पॉइंट इन द टाइम अल्लाह अलमाइटी उन उसी वक्त जब इंसानियत मुंतशिर हो रही थी अल्लाह अलमाइटी रेज़ द रसूल अमंग देम सेल्फ अल्लाह कादिर मुतलक ने उन्हीं लोगों में से एक रसूल मबूस फरमाया बट टू लेफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस एंड टू द लाइट ऑफ फेथ जिसने इंसानियत को जहालत की तारीकियों से निकाल कर ईमान के नूर की तरफ लाना था. इग्नोरेंस जहालत लैक ऑफ नॉलेज इग्नोरेंस इज नॉट लाइक बाय अल्लाह अलमाइटी. तो एट दिस पॉइंट इन द टाइम अल्लाह अलमाइटी रेज द रसूल अमंग देम सेल्फ टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस एंड टू लाइट ऑफ इट. एन उसी वक्त जब इंसानियत मुंतशिर तो बिखर रही थी अल्लाह कादिर मुतलक ने उन्हीं लोगों में से एक रसूल मबूस फरमाया जिसने इंसानियत को जहालत की तारीकियों से निकाल कर ईमान के नूर की तरफ लाना था. वैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर ऑफ एज जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 बरस की हुई ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन आप अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में मेडिटेशन थिंकिंग डीपली फॉर रिलीजियस पर्पस गौर और कौल करना में गुजारते थे. इन द केव ऑफ हिरा ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर गारे हिरा में आप पानी और खाना ले जाकर क्या फरमाया करते थे एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन इन रिमेंबरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी और अल्लाह कादिर मुतलक के जिक्र में तिजाद में भाई दिन और हफ्ते गुजारते थे. रिमेंबरेंस सारी चूड़ के माने तन्हाई पलेज खुशगवार तन्हाई मेडिटेशन मुराकबा गौर खौल करना तदब्बुर गौर खौल करना सोच विचार करना सोच विचार करना रिटायर क्या फरमाना आराम करना क्या फरमाना इन रिमेम्बरेंस ऑफ ये फ्रेज है की याद में अल्लाह कादिर मुतलक की याद में दिन और हफ्ते गुजारते थे. द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज इंतजार की घड़ियां इख्तिताम को पहुंची हियर द हार्ट वॉज ओवर फ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी आपका दिल मुबारक इन
इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज हो चुका है। ही हैड अ प्रेसिंग अर्थ आपकी शदीद खाइश प्रेसिंग अटमोर डिजायर इंतहा शदीद खाइश आज तो एरेडिकेट खत्म करने की रॉन्ग बिलीव गलत अकायद सोशल इवेल समाजी बुराइयां क्रुएल्टी ज़ुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफी को तो यहाँ देखिए पहले में जो बोल रहा है ओवरफ्लोइंग लबरेज हो जाना भर जाना मामूर हो जाना विद परफाउंड एडजेक्टिव है गहरी कंपैशन नाउ हमदर्दी से फॉर मिनट अब है प्रेसिंग शदीद अब देखिए इसको अगर फिक्र बनाएंगे प्रेसिंग आई है प्रेसिंग आई टू बिकम अ डॉक्टर आई है प्रेसिंग आई टू बिकम अ टीचर एरेडिकेट टू रिमूव मिटा देना खत्म कर देना मिटा देना रॉन्ग बिलीफ गलत कहे सोशल इवेल सामाजिक बुराइयां इनजस्टिस ना इंसाफी ओवरफ्लोइंग बांध जाना लबरेज हो जाना परफाउंड गहरी कंपेशन हमदर्दी प्रेसिंग शदीद इंतहाई इसके एरेडिकेट मिटा देना सोशल इवेल सामाजिक बुराइयां जो माहौल समाज में सब इनजस्टिस ना इंसाफी आप इंसाफ को खत्म करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे द मूवमेंट हैड अराइव्ड वो लम्हा आ पहुंचा था व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड विद नबुवत जब आपको नबुवत से नवाजा जाना था वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा एक दिन जब आप गार हिरा में आराम फरमाते हजरत जिब्रील केम एंड कन्वेड हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और पहुंचाया हिम आपको टू फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्लाह कादिर मुतलक का ये पैगाम एक दिन जब आप गार हिरा में आराम फरमाते हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और अल्लाह कादिर मुतलक का ये पैगाम आपको पहुंचाया टू बी बेस्टोड अता करना नवाजना द कन्वेड पहुंचाना द फादर मैसेज अल्लाह कादिर मुतलक का ये पैगाम तो अल्लाह कादिर मुतलक का ये जो पैगाम था ये सूरह अलग की पहली पांच आयत थे इकरा बिस रब्बे कल्ला दिखा रहा तो जिस टंग रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड पढ़िए अपने रब के नाम से हु क्रिएटेड जिसने पैदा किया क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजीवर बनाया पता इंसान को मुंजमिल कंजीव ब्लड फ्रोजन कंजीव में फ्रोजन कंजीव ब्लड ये पास पार्टिसिपल है बेटा वैसे भारत की तीसरी बार में उसका नाम भी पास पार्टिसिपल मुंजमिल खून से रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटिफुल पढ़िए कि आपका रब बड़ा करीम है हु टॉट द यूथ ऑफ द पेन जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया टॉट मैन विच दैट विच ही न्यू नॉट इंसान को वो कुछ बताया जो वो नहीं जानता था अब कंजील के माने मुंजमिल कंजील ब्लड कंजील मुंजमिल जमा हुआ मुंजमिल बाउंडीफुल रहमान रहीम मेहरबान तो बेटा देखे पढ़ी आए तो फिर पढ़ रहे ये बात अल्लाह की भाई की पहली भाई है रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बाउंडीफुल हु टॉट द यूज ऑफ द पेन टॉट मैन दैट विच यू नॉट लॉर्ड तो आज का लेसन हमारा ये खत्म हो गया है इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़